आज की बात सुबह से लेके रात, आज का दिन मन क्या है, आज प्लेनेटरी सिचुएशंस क्या है, किसको क्या फल मिलने वाला है, जानते हैं आज के इस प्रेडिक्शन में। आज तारीख 8 सितंबर 2024 है और ग्रहमान जानने से पहले गणेश जी का ध्यान करते हैं। जय गणेश ऑल डियर फ्रेंड। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। कल गणेश चतुर्थी थी और गणेश जी का ब्लेसिंग आप सबने लिया होगा, नहीं लिया है तो फिर आज फिर से प्रार्थना कर लेते हैं। गणेश जी हम सब के ऊपर कृपा करें, ऐसी हमारी शुभ कामना और शुभ भावना है। तो उसके साथ प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। 8th सितंबर 2024 आज का भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। वार रविवार है, संडे, और सूर्य अभी जो है ये नवमांश में तुला राशि में है। सूर्य का तीसरा चरण चल रहा है पूर्व फाल्गुनी का, और पूर्व फाल्गुनी के तीसरे चरण में कोई भी जाने वाले ग्रह तुला नवमांश में से चलेंगे। अब तुला नवमांश का महत्व विशेष क्यों है, क्योंकि इसमें से जाने वाले ग्रह जो है ये तुला में, पर्टिकुलरली सन इज गोइंग टू बी डेबिलेटेड, नीच के सूर्य हो जाते हैं। ये नीच नवमांश है तुला का, सूर्य का। तो आज का दिन जो है ये जिनका भी जन्म का सूर्य नीच राशि में है, ऐसे जातकों के लिए सूर्य उपासना के लिए एक्सीलेंट दिन रहेगा। एक्सीलेंट बोले तो एक्सीलेंट, उसमें उसका कोई अति उत्तम बोलते हैं हिंदी में इसको, उसका कोई दूसरा पर्याय नहीं है। तो सूर्य उपासना के लिए क्या करना है, आपको काला तिल युक्त जल सूर्य भगवान को अर्पण करना है और कॉन्स्टेंट मंत्र करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सुबह से लेके शाम तक। तो सूर्य पूर्व फाल्गुनी का तीसरा चरण है और चंद्र जो है चंद्र के नक्षत्र के बारे में आज बात करेंगे। स्वाति और विशाखा का कॉम्बिनेशन होगा। स्वाति और विशाखा में आज चंद्र तुला राशि में चलेंगे और इसकी शांति के लिए क्या करना है, भैंस को खिलाना है। और तुला सूर्य के जो है नवमांस, उसके लिए भी भैंस को खिलाना एकदम प्रॉपर रहेगा, क्योंकि तुला राशि का जो नवमांस है इसमें जो नक्षत्र आते हैं चित्रा, स्वाति और विशाखा। अब जो दो टाइगर है उसके बीच में भैंस है, चित्रा टाइगर है, विशाखा टाइगर है और स्वाति है, ये भैंस है। तो आज के दिन में भैंस को खिलाना मतलब आपके सूर्य की शांति करना, ये इसका। और दिन में जब सब सुबह से लेकर शाम तक आपको मंत्र करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपके सूर्य नीच के हैं, शनि के नक्षत्र में है, पुष्य में है, अनुराधा में है, उत्तर भाद्रपद में है, या सूर्य केतु का ग्रहण योग है, कुछ भी है, तो आपको ये प्रयोग करना है, भैंस को खिलाना है, मंत्र करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और सुबह से लेकर शाम तक करना है।
बात करेंगे मंगल के नक्षत्र के बारे में। आज मंगल अभी जो है ये आद्रा नक्षत्र में चल रहे हैं और बुध का जो नक्षत्र है ये मघा नक्षत्र है सिंह राशि के अंदर। बुध अभी पीछे चल रहा है सूर्य से, जिसके कारण जो आर्थिक गतिविधियां है ये थोड़ी कम रहेगी और ये कहाँ निकलेगा रास्ता सैला तो इस साइड एप्पल रोड में इस सैला इस साइड है है। ये मघा नक्षत्र है, बुध पीछे है सूर्य से, जिसके कारण क्या होगा कि आर्थिक गतिविधियां जो है वो थोड़ी स्लो रहेगी और हालांकि जिनका भी डायमंड्स का काम है, लग्जरियस काम है, ऐसे जातकों का कामकाज ठीक ठीक रहने वाला है। मघा नक्षत्र में वैसे तो बुध का फल अच्छा है, गुरु मृगशिरा नक्षत्र में है वृषभ राशि में और शुक्र का जो नक्षत्र है ये चित्र नक्षत्र में शुक्र आ गए हैं और शनि पूर्व भाद्रपद कुंभ राशि और राहु उत्तर भाद्रपद एंड केतु हस्त। तो केतु के लिए भी वंस अगेन जो है केतु की शांति के लिए भी आपको भैंस को खिलाना है, फीडिंग टू बफेलोस। चंद्र के लिए सूर्य क्या है यार, चंद्र के लिए सूर्य आज, सूर्य के लिए चंद्र आज स्वाति और पति। जब तक स्वाति नक्षत्र है तब तक जो थोड़ा लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगा मेल फीमेल रिलेशन में, लेकिन उसके बाद फिर ठीक है। राशिफल देखते हैं तो मेष राशि के लिए चंद्र सप्तम स्थान में है। अब सातवें स्थान में जो चंद्र है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट करेंगे जो भी जातक पब्लिक लाइफ में हैं इनके लिए, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। मेष राशि के लिए वैसे जो सितारे हैं थोड़े से ठीक चल रहे हैं, मंगल अभी पराक्रम भाव में है, गुरु परिवार के स्थान में है, हालांकि थोड़ा सा फाइनेंस के रिगार्डिंग स्ट्रेस टेंशन हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पारिवारिक सुख में वृद्धि करने वाले हैं, इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस एंड कैरियर
टोरस के लिए चंद्र आज सिक्स हाउस में है, सिक्स हाउस में चंद्र जो है शत्रु विजय करवाने वाले हैं। मिथुन के लिए चंद्र आज पंचम स्थान में है, तो ग्रैंड सक्सेस जोन फॉर जेमिनी, आज कुछ अच्छा काम होने वाला है आपको, सक्सेस इन लव मैटर। कर्क राशि के लिए चंद्र चौथे स्थान में है, थोड़ा सा स्ट्रेस माता पिता को लेकर, करियर को लेकर, और सिंह राशि के लिए चंद्र पराक्रम भवन में है, जो कि आपको साहसिक बनाएंगे, मेक्स डारिंग फ्रेंड नेचर, बेनिफिट्स फ्रॉम न्यू वेंचर्स। कन्या राशि के लिए चंद्र धन भाव में है, वाणी के स्थान में है, तो वाणी में संयम बरतना होगा, वो भी खास करके कुटुंब के अंदर, आंखों का भी केयर करना होगा। तुला राशि के लिए चंद्र अपनी ही राशि में है, जो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने वाला है। वृश्चिक के लिए चंद्र 12वें स्थान में है, जो कि चंद्र आपके लिए थोड़ा सा माइंड को अनस्टेबल करने वाला है। धनु राशि के लिए चंद्र जो है आपके लाभ स्थान में है, तो संतानों के साथ आपकी निकटता बढ़ने वाली है, मित्रों से, स्त्री मित्रों से लाभ रहेगा, और मकर के लिए चंद्र 10वें स्थान में है, माता पिता का सपोर्ट रहेगा और फैमिली के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए बात करें तो चंद्र भाग्य में है, जो कि भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, और मीन राशि के लिए बात करें तो चंद्र 8वें स्थान में है, और 8वें स्थान में चंद्र का फल ठीक नहीं है, इसके इम्पैक्ट में आप सबको फाइनेंस के रिगार्डिंग या परिवार के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेने का आता है, तो आप सबको जल्दबाजी में नहीं लेना है। तो वैसे आज का दिन ठीक है, पंचमी तिथि है, ऋषि पंचमी है, और नाग देवता के दर्शन और पूजा के लिए आज का दिन श्रेष्ठ माना जाएगा, और शाम के बाद मंत्र ओम नमः शिवाय ये ज़्यादा कल्याणकारी रहने वाला है। मिलते हैं जल्दी एक और नए नक्षत्र बेस प्रेडिक्शन में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं।